सुंदरवन के जंगलों में एक विशाल पेड़ पर अनेकों बगुले अपना घोंसला बनाकर रहा करते थे। उसी पेड़ के नीचे एक विशाल सांप रहता था। जैसे ही सभी बगुले भोजन की तलाश में जाते, वह विशाल सांप आकर उनके सारे अंडे खा जाता। अंडे खाकर तबीयत तृप्त हो गई, मज़ा आ गया अंडे खाकर। जब वह सब बगुले वहाँ पर आते तो वह देखते उनके अंडे सांप खा चुका है और वह इस बात से बहुत परेशान थे। वह एक बगुला वो सबसे ज़्यादा परेशान था, एक दिन नदी के किनारे बैठे बैठे रो रहा था। पास ही में बैठे एक केकड़े ने बगुले को देखा और उसके पास आकर कहा, अरे क्या बात है बगुले भाई, क्या बात है, तुम कैसे रो रहे हो? और बगुला कहने लगा, अरे केकड़ा भाई क्या करूं, बताओ हमारे अंडे एक सांप खा जाता है, हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मैं बहुत रो रहा हूँ। जब भी हम अपना खाना लेकर आते हैं, वह सब के सब अंडे गायब हो चुके होते हैं, अब हम उस सांप का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। केकड़ा कहता है, अच्छा इस बात से परेशान हो? अब केकड़ा सोचने लगा, इसको ऐसा उपाय बताना चाहिए कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। केकड़े ने कहा, अरे बगुले रो मत, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ, तुम्हें मछली पकड़ना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ मेरे को मछली पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तुम ऐसा करो, तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मछलियाँ बिछा दो, जिससे जैसे ही नेवला बाहर निकलेगा वह खाते खाते सांप के बिल के पास पहुंच जाएगा, वैसे ही सांप भी खा लेगा और जिससे तुम्हारा अंडे भी बच जाएंगे और तुम्हारी घोंसलों की रक्षा भी हो जाएगी। हाँ ये बात तुमने सही बोली, चलो ठीक है मैं अपने साथियों से पूछ कर आता हूँ। और बगुला अपने साथियों से पूछने जाता है और उसके साथी उसमें से एक कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो आफत मोल लोगे। उसमें से एक कहता है, ऐसा करते हैं पास ही में हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जाकर उनसे पूछ लेते हैं। और सभी बगुले एक बड़े बगुले के पास पूछने चले जाते हैं और बगुला जो बड़ा था वह कहता है, नहीं ऐसा काम मत करना, नहीं तो तुम अपनी आफत मोल लोगे, नहीं मुझे कुछ टाइम दो और मैं तुम्हें कल बताता हूँ। अब जब बड़ा बगुला मना कर देता है तो अब वह बगुला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अरे मैं कैसे बदला लेऊँ, वो तो बूढ़ा हो चुका है, उसको कहाँ समझ है, मैं नहीं रुकूँगा। और बगुला तालाब में जाता है और एक एक मछली पकड़कर नेवले के घर से लेकर सांप के बिल तक बिछा देता है। जैसे ही नेवले अपने बिल से बाहर आते हैं और देखते हैं, अरे क्या बात है हमारे बिल के आगे हमारा भोजन पड़ा हुआ है, अरे वाह, सभी नेवले आ जाते हैं और सारी मछलियाँ खा जाते हैं। खाते खाते सांप के बिल के पास पहुँचते हैं, जैसे ही सांप को देखते हैं, अरे हमारा दुश्मन भी यहाँ पर है, झट से सांप को मार देते हैं। अब वह वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही दूसरे दिन देखते हैं एक भी मछली नहीं है और ढूंढते उसी पेड़ के पास आ जाते हैं और देखते हैं, अरे हमें लग रहा है इसी पेड़ पर भोजन है। बगुले की आवाज़ सुनकर वह उसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बगुले के सारे अंडे चट कर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और बगुले सभी बगुले सोच रहे थे, अरे ये बहुत गलत किया,
अरे उस नादान बगुले ने ऐसा किया, बताओ नेवले को दुश्मन बना लिया। पहले तो हम सांप से परेशान थे, अब देखो नेवला अब आके, सांप तो मर गया परंतु अब नेवला हमारे अंडे खा जाता है, अब बताओ। और वहाँ से सभी बगुले सोचते हैं कि अब यहाँ से हमें जाना चाहिए, और सभी बगुले वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जल्दबाजी में फैसला नहीं ले।